हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माय चैनल द सेलिंग बीस्ट। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि मुझे भी एनकरेजमेंट मिलता रहे आपके लिए नए वीडियोस बनाने का। एंड साथ में बेल आइकॉन को भी क्लिक कीजिए ताकि आपको मेरे आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल जाए। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे OTFC, CTFC एंड टास्को DG शिपिंग एग्जिट एग्ज़ाम क्वेश्चंस एंड आंसर्स। सारे क्वेश्चंस का कंपाइल सेट बना रहा हूँ, ये सेट नंबर 3 है। एंड ये सारी वीडियोस आपको मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। DG शिपिंग ई लर्निंग नाम से प्लेलिस्ट है एग्जिट एग्जामिनेशन के लिए, तो उसमें आपको ये वीडियोस मिल जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। हमारा क्वेश्चन 1 है, व्हाट इज़ द फ्लेमेबल रेंज। तो इसका आंसर है ए, वेपर कॉन्सेंट्रेशन रेंज बिटवीन LEL का मतलब होता है लोअर एक्सप्लोजिव लिमिट एंड UEL अपर एक्सप्लोजन लिमिट। एंड इसको LFL भी बोलते हैं या फिर UFL भी बोलते हैं। F आएगा तो उसका हो जाएगा फ्लेमेबल, UFL का अपर फ्लेमेबल लिमिट, लोअर फ्लेमेबल लिमिट। सॉरी अगेन, आई सेड एक्सप्लोजिव इंस्टेड ऑफ एक्सप्लोजिव। सो क्वेश्चन 2, इन सेंट्रिफ्यूगल पंप, करेक्ट आंसर द फ्लूइड मूव्स इन द सेम डायरेक्शन एज द इंपेलर। क्वेश्चन नंबर 3, एन एवरेज एक्सप्लोजिव रेंज ऑफ पेट्रोलियम वेपर मिक्सचर विथ एयर इज। तो करेक्ट आंसर है सी, 1 to 10%। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज प्यूट्रिफिकेशन। सो इसका करेक्ट आंसर है ए, मोस्ट एनिमल एंड वेजिटेबल ऑयल्स अंडरगो डीकम्पोजिशन ओवर अ टाइम इन स्टोर्ड कंडीशन। क्वेश्चन नंबर 5, एन ऑयल विथ एन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ग्रेटर दैन क्वेश्चन नंबर 5, एन ऑयल विथ एन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ग्रेटर दैन 50 पिकोसीमेंस पर मीटर, इट इज़ PS पर mm, सो रेंडर्स इट इनकैपेबल ऑफ रिटेनिंग अ सिग्निफिकेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज इज कॉल्ड। करेक्ट आंसर है स्टैटिक नॉन एक्युमुलेटर ऑयल। नॉन एक्युमुलेटर इसलिए क्योंकि वो चार्जेस को एक्युमुलेट नहीं कर पाता है। क्वेश्चन नंबर 6, कंबस्टिबल गैस इंडिकेटर ऑपरेट बाय ड्रॉइंग एन एयर सैंपल इन टू द इंस्ट्रूमेंट। करेक्ट आंसर है डी, ओवर एन इलेक्ट्रिकली हीटेड प्लैटिनम फिलामेंट। क्वेश्चन नंबर 7, इन केस ऑफ एन फेलियर और इरेटिक रीडिंग ऑफ फिक्स्ड ऑक्सीजन कंटेंट मीटर द फॉलोइंग ऑपरेशनल कंडीशन मे बी फॉलोड। तो करेक्ट आंसर है डी, यूज पोर्टेबल ऑक्सीजन कंटेंट एनालाइजर एंड डिस्चार्ज एट स्लो रेट। क्वेश्चन नंबर 8, कार्गो पंप रूम्स आर फिटेड विथ। करेक्ट आंसर है सी, फिक्स्ड फायर एक्सटिंग्विशिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 9, द फ्रेश एयर इनटेक ऑफ द इनर्ट गैस सिस्टम, आंसर है सी, अलाउज द इनर्ट गैस पाइपिंग टू बी यूज्ड फॉर गैस फ्रीइंग द टैंक्स। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाइल यूजिंग अ कंबस्टिबल गैस इंडिकेटर इफ द हाइड्रोकार्बन कंटेंट ऑफ एटमॉस्फेयर एक्सीड्स अपर एक्सप्लोजिव लिमिट UEL द नीडल ऑफ द इंडिकेटर विल। द करेक्ट आंसर है ए, मूव टू द मैक्सिमम रीडिंग एंड इमीडिएटली रिटर्न टू जीरो। क्वेश्चन नंबर 11, स्टीम हीटिंग कॉइल्स आर प्रोवाइडेड इन सम टैंक्स टू, आंसर है डी, हीट कार्गो विच हैज़ हाई पावर पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 12, बलास्ट वाटर एक्सचेंज शुड बी डन एट लीस्ट डैश नॉटिकल माइल फ्रॉम द नियरेस्ट लैंड इन वाटर एट लीस्ट डैश मीटर्स इन डेप्थ। तो करेक्ट आंसर है सी, 200 नॉटिकल माइल एंड 200 मीटर्स। क्वेश्चन नंबर 13, एन इनर्ट गैस सिस्टम शुड बी यूज टू, करेक्ट आंसर है सी, टू कीप द टैंक फ्री स्पेस इनर्टेड। क्वेश्चन नंबर 14, ईच इनर्ट गैस सिस्टम गैस मेन मस्ट हैव एन ऑटोमेटिक शट डाउन वैल्व एट द आउटलेट ऑफ द गैस प्रोडक्शन प्लांट, दिस वैल्व मस्ट क्लोज ऑटोमेटिकली अपॉन, आंसर है ए, ब्लोअर फेलियर। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ पैराफिन। तो करेक्ट आंसर है सी, अल्केन। क्वेश्चन नंबर 16, the total capacity of slop tanks on an oil tanker normally should be, correct answer is c 3 per, sorry correct answer is b 3% of the total oil carrying capacity of the ship, ye aapko marpol mein mil jayega. Question number 17, whose permission to be obtained prior deballasting of ballast at load/discharge port. The correct answer is d, terminal representative. Question number 18,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉफर डैम? द करेक्ट आंसर है डी, पंप रूम ऑन एन ऑयल टैंकर। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज रन अवे पॉलीमराइजेशन? द करेक्ट आंसर है ए, एक्सोथर्मिक सेल्फ रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट शुड कार्गो सैंपल लॉकर्स बी कंस्ट्रक्टेड ऑफ? द करेक्ट आंसर है बी, फुल्ली रेजिस्टेंट मटेरियल। क्वेश्चन नंबर 21, सेल्फ कंटेंट ब्रीदिंग अपैरेटस इज यूज टू? करेक्ट आंसर है बी, एंटर एरियाज दैट मे कंटेन डेंजरस फ्यूम्स और लैक ऑफ ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 22, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर्स फायर बाय? करेक्ट आंसर है बी, स्मूदरिंग और ऑक्सीजन एक्सक्लूजन। क्वेश्चन नंबर 23, विच कार्गो ऑपरेशन आर टू बी रिकॉर्डेड इन कार्गो रिकॉर्ड बुक ऑफ अ केमिकल टैंकर? तो करेक्ट आंसर है ए, ऑल कार्गो ऑपरेशन इन्वॉल्विंग एनएलएस और बलास्ट इफ टेकन इन कार्गो टैंक्स। क्वेश्चन नंबर 24, कैलोरीफिक वैल्यू इज द क्वांटिटी ऑफ हीट डैश व्हेन अ यूनिट क्वांटिटी ऑफ फ्यूल इज बर्नड कंप्लीटली? सो इसका करेक्ट आंसर है सी, रिलीज्ड। क्वेश्चन नंबर 25, द फिटिंग एट द एंड ऑफ द कार्गो लाइन इन द टैंक दैट अलाउज सक्शन टू बी टेकन क्लोज टू बॉटम ऑफ द टैंक इज? करेक्ट आंसर है डी, बेल माउथ। क्वेश्चन नंबर 26, यू आर प्लानिंग टू यूज क्रूड ऑयल वॉशिंग सिस्टम, व्हाट प्रिकॉशन मस्ट बी टेकन विद द सोर्स टैंक फॉर वॉशिंग मशीन? सो आंसर है ए, एटलीस्ट 1 meter मस्ट बी डिकेंटेड फ्रॉम द सोर्स टैंक। क्वेश्चन नंबर 26, एन ऑयल रिकॉर्ड बुक पार्ट 1 शैल बी रिटेन्ड ऑन बोर्ड फॉर अ पीरियड ऑफ? आंसर है सी, 3 years सिंस द लास्ट एंट्री हैज बीन मेड। क्वेश्चन नंबर 28, मेजर डेंजर ऑकर्स फ्रॉम अ वेपर क्लाउड इफ इट इज? आंसर है सी, इग्नाइटेड। क्वेश्चन नंबर 29, द केमिकल यूज फॉर क्लीन अप ऑफ डेक स्पिल मस्ट नॉट बी अलाउड टू एंटर वाटर व्हेन शिप इज इन पोर्ट? सो करेक्ट आंसर है डी, अनलेस परमिशन हैज बीन ऑब्टेंड फ्रॉम हार्बर अथॉरिटीज। क्वेश्चन नंबर 30, डिफिशियंट ऑक्सीजन कंटेंट इनसाइड अ कन्फाइंड स्पेस कैन बी डिटेक्टेड विथ? करेक्ट आंसर है डी, एन ऑक्सीजन डिटेक्टर। सो गाइस, इसी के साथ ये सेट 3 खत्म हो जाता है OTFC, CTFC एंड टास्को के लिए। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और बाकी वीडियोस देखने के लिए प्लेलिस्ट में आप विजिट कीजिए। साथ ही में यहाँ पे टॉप राइट कॉर्नर में एक लिंक आएगा, उसको भी आप क्लिक करोगे तो आप प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हो। बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जामिनेशन एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।